अगली खबर आ रही मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां झारखंड के गिरिडीह जिले से पैदल तीर्थ दर्शन के लिए निकले विराट सिंह आज मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जिसके बाद अब वह रीवा से मैहर होते हुए उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकल लिए। विराट सिंह महाकाल के दर्शन कर भगवान राम की नगरी अयोध्या के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन कर वापस अपने घर के लिए रवाना होंगे। इस बीच उन्हें तकरीबन 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। झारखंड से तीर्थ यात्रा की शुरुआत करने के बाद विराट ने काशी में विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए तथा 25 दिनों की अपनी यात्रा पूरी कर वह आज रीवा पहुंचे हैं। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले विराट सिंह ने अपनी यह यात्रा 9 अक्टूबर को शुरू की थी, जिसका आज 25वां दिन था और 25वें दिन वह रीवा पहुंचे, जहां से पैदल यात्रा करके ही वह मैहर मात शारदा के दर्शन करते हुए बाबा महाकाल का दर्शन करने उज्जैन पहुंचेंगे, जिसके बाद उज्जैन से अयोध्या और फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। झारखंड के रहने वाले विराट सिंह की माने तो अचानक सुबह निद्रा से जागने के बाद उनके मन में यह ख्याल आया कि तीर्थ दर्शन के लिए पैदल यात्रा करनी चाहिए और उन्होंने तत्काल अपने परिवारजनों से बातचीत कर अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी और उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए विंध्याचल पर्वत पर विराजमान विंध्यवासिनी माता का आशीर्वाद लिया और फिर अपने सफर पर निकल लिए तथा 25 दिनों की यात्रा संपन्न कर आज रीवा पहुंच गए। बताया जा रहा है कि झारखंड के रहने वाले विराट सिंह ने रीवा पहुंचकर 650 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है, जबकि जिस रास्ते उन्हें केदारनाथ धाम तक अपने सफर के लिए जाना है तो उसकी दूरी तकरीबन 4000 किलोमीटर है। विराट का कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है, जिससे वह हिंदू धर्म का चारों ओर प्रचार प्रसार कर सके, जिससे लोग धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे आते रहें। उनका कहना है कि पैदल तीर्थ दर्शन करने से समाज में चेतना की उत्पत्ति होगी और लोग सनातन संस्कृत को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। विराट सिंह हुआ, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह की यात्रा है ये? हमारा पैदल यात्रा और हम ये झारखंड जिला गिरिडीह सरिया से हम निकले हुए हैं और अभी सरिया से निकले हैं। सबसे पहला दर्शन हमारा काशी विश्वनाथ बनारस हुआ है, वहाँ पे बाबा काल भैरव और घाट वगैरह और आपका संकट मोचन, मतलब वहाँ पे अधिकतर सब जगह मैं घुमा हूँ और वहाँ से अभी उज्जैन के लिए निकले, जिसमें बीच में हमारा ये मंदिर, मतलब जितने भी पड़ रहे हैं आपका विंध्याचल माता मंदिर है और अभी आपका मेहर आ रहा है, वहाँ पे दर्शन करेंगे और आपका उसके बाद उज्जैन महाकाल, इस बीच में जितने मंदिर मिलेंगे वहाँ पे मैं दर्शन करते हुए जाऊँगा और फिर वहाँ से अयोध्या के लिए निकलूँगा। अयोध्या के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से और अंतिम यात्रा हमारी है केदारनाथ। उद्देश्य भी बस यही है हमारा, धर्म की रक्षा, क्योंकि आजकल हम लोगों की धर्म की रक्षा रह नहीं गई है। हिंदुत्व एकता आज हम लोगों का देखिए बहुत कम हो चुका है और हम चाहते हैं हिंदुत्व एकता हम लोगों की हमेशा बने हुए रहे। मेरे मन में अचानक मैं सुबह उठा और हमारे मन में आ गया और इसी के मतलब मन में आने के बाद फिर मैं सोचा कि अगर मन में आया है तो कोई तो जरूर ही रीजन होगा जो बाबा का बुलावा है तभी, और इसी वजह से एक कम से कम पब्लिक में पहुंचेगा भी न्यूज़ की, मतलब धर्म की रक्षा कैसे होता है कैसे नहीं। और बस मेरा एक ही है, पब्लिक से मैं अपील करता हूँ कि मतलब हमेशा धर्म के लिए सब खड़े ही रहें। एक दिन में कितनी यात्रा होती है? एक दिन में भैया मेरे 30 किलोमीटर का मैं टारगेट देता हूँ, लेकिन कभी कभी वैसा आ जाता है, मतलब प्रॉब्लम आ जाता है तो कभी कभी 40 भी 45 भी चलना पड़ता है अभी 650 किलोमीटर की हमारी हो चुकी है, वही लगभग और 3300 के समथिंग बचा है। कब तक यात्रा चलेगी? ये मई तक हमारा चलेगा। मई तक में मेरा 4000 किलोमीटर का यात्रा हो जाएगा। देश की जनता को हम यही संदेश देंगे कि बस आप लोग भी इसी तरह मतलब धर्म की रक्षा करें, क्योंकि एक बोला गया है धर्मो रक्षक रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सरकार से हम यही कहेंगे कि आजकल धर्म की रक्षा तो अधिकतर सब कर रहे हैं और सरकार भी ऐसा है कि हर जगह धर्म की रक्षा करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज अलग अलग संगठन में बना करके धर्म की रक्षा की जाती है और सरकार से बस यही अपील है कि आजकल देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी बहुत मतलब होते हैं, मतलब धर्म के मामले में
हम लोग को बस सरकार से एक ही निवेदन रहेगा कि मतलब धर्म के मामले में कोई राजनीति ना हो। सहयोग तो अच्छा ही मिला अभी तक, जैसे तो भैया 100% में तो 5% लोग खराब ही रहते हैं, बाकी बात 95% तो सही रहते हैं। और पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला हमको अभी तक, रात में हमेशा रुकने का व्यवस्था मिला है, खाने का रात में व्यवस्था, हर एक चीज़, और आर्थिक सहयोग भी मुझे मिला है।